प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं प्रदेश के लोकप्रिय नेता सज्जन सिंह वर्मा का जन्मदिन उनके गृह नगर इंदौर में सेवा दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश भर के नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। वहीं मंत्री जी को बधाई देने वालों का तो जैसे हुजूम उमड़ पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाया मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जन्मदिन। प्रदेश भर से नेताओं का लगा जमावड़ा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया शक्ति प्रदर्शन। सेवा दिवस के तौर पर मनाया गया मंत्री जी का जन्मदिन। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हमारी दुआ है आप सदा खुश रहो। शायद इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के गृह नगर इंदौर में उनके समर्थक जन्मदिन मनाने पहुंचे। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश भर से नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। हर कोई अपने लोकप्रिय नेता को बधाई देने के लिए उत्सुक नजर आया। पलसीकर स्थित मंत्री सज्जन वर्मा के निजी निवास पर जन्मदिन समारोह के दौरान लोगों ने जमकर उनके साथ सेल्फियां ली, बधाई दी। क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई मंत्री जी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आया। इस दौरान मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एमपी न्यूज से खास चर्चा में बताया कि यह जन्मदिन उनके कार्यकर्ता मनाते हैं। मना करने पर भी उनका पुरजोर अनुग्रह होता है। इस दौरान उन्होंने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाने की बात कही। जन्मदिन कार्यकर्ता मनाते हैं, मैं मना करूं तो भी मनाते हैं। उनका बड़ा पुरजोर अनुग्रह होता है, इसलिए मनाना पड़ता है। आज के दिन बड़े साधारण तरीके से हम लोग अपने साथियों से गेट टूगेदर करते हैं। निशक्त जनों को आज 50 स्ट्राइक साइकिल भेंट करेंगे और बच्चों को कापी किताबें करेंगे, तमाम बच्चों की फीस भरते हैं। तो ये एक साधारण, मैं कहूँ कि जन्मदिन मनाने पे उस समाज की वो सेवा हो सके जो अब उपेक्षित रहता, तो बड़े साधारण तरीके से हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। इस मौके पर मंत्री पुत्र एवं युवा नेता पवन वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उनके पिता का जन्मदिन आज जन सेवा का संकल्प के साथ मनाया गया। निशक्त जनों को ट्राइसिकल, गरीब बच्चों को किताबें बांटी जाएंगी। देखिए, आज जन्माष्टमी भी है और हमारे माननीय मंत्री जी, मेरे अंकल सज्जन सिंह वर्मा जी का भी जन्मदिन है, तो आज त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जा रहे हैं। और दो तीन दिन पहले ही पूरे प्रदेश से लोग आना चालू हो गए थे और हम लोगों ने उनके जन्मदिन पे गरीबों को फल वितरण करे हैं और ट्राइसिकल वितरण करी है, कई जगह वृक्षारोपण करे हमने और गरीब जो बच्चे हैं उनको कापी किताबें हमने वितरण करी है। और आज हमारे आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी का जन्मदिन है, तो भगवान से ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो और ऊंचाइयों पर जाए, ऊंचाइयों उनके कदम झूमें। और हम सब ये चाहते हैं, हमारे सभी जो उनके मिलने वाले उनके चाहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उन मंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बना रहे और उनके नेतृत्व हम हमेशा काम करते रहें। और ये पूरा प्रदेश चाहता है आज की तारीख में कि ये प्रदेश
खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे। इसी तरह कांग्रेस पार्षद अभय वर्मा ने भी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के जन्मदिन को आशीर्वाद दिवस के रूप में मनाने की बात कही और बधाई प्रेषित की। सबसे पहले तो मैं जो हजारों हजार कार्यकर्ता है पूरे मध्य प्रदेश से पापा जी का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और यही चाहता हूँ कि हर साल जिस तरह से सालों साल ये जन्मदिन मनाया जाता है और भव्यता इस पर आ रही है, ये सब इनकी मेहनत का जोश और माननीय कमलनाथ जी और माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जी की जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। अभी जो हमारा आज का दिन जो पापा जी के, उसमें हम लोगों ने कम से कम 50 से 60 साइकिलें बांटी हैं। निसर्जनों को जो अपाहिज हैं उनके लिए ट्राईसाइकिल का इंतजाम किया गया है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे स्कूल बैग, कॉपियाँ सब कुछ बांटी गई हैं। सारा हॉस्पिटल फल फ्रूट का, और हम जैसे कि माननीय मंत्री जी प्रावीण मंत्री भी हैं तो बहुत सी जगहों पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया है। हम तो यही संकल्प लेते हैं कि हर साल हजारों हजार पेड़ पौधे हम लगाएं। पूरे सोनकच्छ में कम से कम 30,000 पौधे का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है कि सब दूर जहाँ पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा समेत तमाम कांग्रेसियों ने जन्मदिन की बधाइयां दी। आइए आपको सुनाते हैं किस अंदाज में अपने लोकप्रिय नेता को दी बधाइयां। सज्जन वर्मा जी मंत्री पद पर रहे, किसी पद पर रहे न रहे, उनके प्रति प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। एक सहज सरल स्वभाव के, जनता से सीधा जुड़ाव है, कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव है, इसलिए हजारों कार्यकर्ताओं प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पे आते हैं। पद की कोई महत्ता नहीं है, बगैर पद के भी उनके प्रति लोगों का जुड़ाव है। निश्चित तौर पे आज कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, किस प्रकार से जो अपराधों में, किसानों की आत्महत्याओं में, बलात्कार के अंदर ये जो बदनाम प्रदेश था, इसको एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, एक विकासशील प्रदेश बनाएंगे और जो हमारे वचन पत्र के वादे हैं उसको पूरा करेंगे, संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी निरंतर काम कर रहे हैं, जनहितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, अपने वचन पत्र के वादों को पूरा कर रहे हैं, बात करें युवा स्वाभिमान योजना की या किसानों के कर्ज माफी की, पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात करें, मिलावट के खिलाफ मुहिम की बात करें, लगातार काम करें, भाजपा का नगरीय निकाय में सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय होगी और कांग्रेस का परचम फिर लहराएगा। सर्वहारा वर्ग के मसीहा है परम आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन। हम 5 गाड़ियों के साथ, पूरा काफिले के साथ उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सबकी उम्र परम आदरणीय सज्जन भैया को लग जाए और ये प्रदेश और पूरा सज्जन भैया के नेतृत्व में पूरा प्रदेश विकास की गाथा लिखे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, हम शुभकामना देने के लिए आए। लोक निर्माण मंत्री परम सम्मानी सज्जन सिंह जी वर्मा, मध्य प्रदेश के हृदय सम्राट, जो गरीबों के मसीहा, वास्तव में वो उनकी जो उम्र हजारों साल और जीवन सर सतम, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमेशा प्रसन्न रहे और मध्य प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में वो नेतृत्व करें, ऐसी हम ईश्वर से शुभकामना करते हैं उनके जन्मदिवस पर कि वो उनकी लंबी उम्र हो और स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। बधाई देने आए हैं, पूरे काफिले के साथ आए हैं और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे वो पूरी लंबी उम्र दे और आगे बहुत प्रोग्रेस करें, इसी तरह हमको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। जय जय सज्जन भैया, जय जय कांग्रेस। कुल मिलाकर मंत्री जी के जन्मदिन समारोह में शिरकत करने के लिए प्रदेश भर से नेताओं के इंदौर आने का सिलसिला अभी भी जारी है। समर्थकों का जमावड़ा और तमाम दिग्गज नेताओं का तांता मंत्री वर्मा के बढ़ते दबदबे की बानगी को साफ बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।